एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और अभी बज रहे हैं 8:30, रात के 8:30 हो रहे हैं। मैंने सुबह से थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ली थी बट मैं आगे शूट ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा आज मन ही नहीं हो रहा था। पता नहीं सच में बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कुछ शूट करने का, कुछ करने का। बहुत अपसेट सा मूड लग रहा है। कुछ नहीं हुआ है घर में, किसी ने कुछ कहा नहीं, कुछ झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बट पता नहीं कभी कभी होता है ना ऐसे, मतलब एक अलग सी एक फीलिंग आ जाती है दिल में, तो वही सेम आज चल रहा है। कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा, बिल्कुल एकदम अजीब सी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है बस खुद के साथ ही थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ अकेले में। बट काम तो करना ही पड़ेगा ना, कितना भी मन हो ना हो, तो ज़्यादा छुट्टी लेना तो अलाउड नहीं है ना। तो इस वजह से मैंने, वैसे तो मैंने आज कोई ब्लॉग एडिट नहीं किया। सुबह एक ब्लॉग अपलोड किया था मैंने, जो एडिट करके रखा था मेरे पास, और अभी कोई ब्लॉग एडिट अपलोड नहीं किया है क्योंकि दिन भर में कोई ब्लॉग मैंने एडिट नहीं किए हैं, तो शूट भी नहीं किया। बस थोड़ा बहुत जब सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया था तब शूट किया है, और अभी जब मैंने खाने की प्रिपरेशन की तब शूट किया है। खाना टोटली बना नहीं है। दही जो आपने देखा होगा बांधा हुआ, तो मैंने दही बांध के रखा है श्रीखंड बनाने के लिए। महाराष्ट्रियन लोग जो लोगों में फेमस होता है श्रीखंड, बहुत मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो उन्होंने ऑफिस से मुझे कॉल करके बताया है कि उनके लिए श्रीखंड बना के रखना है। तो इसीलिए मैं फटाफट से डेरी गई और लेके आई, उसको बांध के रखा। उसको 1-2 घंटे तक के लिए अच्छे से बांध के रखना पड़ता है ताकि उसमें का जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो पूरा ड्रेन आउट हो जाए। उसके बाद में उससे श्रीखंड जो है बनता है, अच्छा बनता है पूरा पानी ड्रेन आउट होने के बाद में। तो मैंने इसीलिए उसको बांध के रखा है। साथ में कड़ी बना ली है मैंने, क्योंकि वो दही का काम करके सोची कि कड़ी भी शौक लगा देते हैं, तो कड़ी बन गई है। और मैं बनाने वाली हूँ साथ में पुलाव, क्योंकि कल ही फ्रेश मैंने मटर लाई है, तो सोचा आज मटर आलू डाल के थोड़ा सा पुलाव बना लेते हैं। तो आलू मटर वगैरह सब छील लिए हैं, मतलब चावल भिगो लिए और टोटल तैयारी हो चुकी है, बस तड़का लगाना बाकी है। तो बहुत देर से बैठी थी ऐसी अभी हस्बैंड के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, 1.25 घंटे से मैं उनके साथ ही वीडियो कॉल पे थी। तो अभी सोचा फाइनली बना लेते क्योंकि बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है, तो इस वजह से सोचा कि पहले खाना बना लेते हैं और ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए चल के जो है बना लेते हैं खाना।
फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के, रात के 11 बज रहे हैं और हम लोगों का डिनर विनर जो है कंप्लीट हो चुका है। डिनर के वक्त पता नहीं क्या हो गया था, मेरे कैमरा को शूट ही नहीं हो रहा था उस वजह से, तो मैंने जो है फोटो क्लिक कर ली है, तो फोटो मैं यहाँ यहाँ पे ये इससे पहले ऐड कर दूंगी, अगर हो सके तो फोटो ऐड करने की कोशिश करूंगी। और हस्बैंड जी जो है वो आ चुके हैं। हाय, कैसा बना था डिनर आज का? श्रीखंड कैसा बना था? तो हस्बैंड जी को जो है वो डिनर आज का काफी अच्छा लगा है, उनको बहुत पसंद आया है आज का डिनर। तो हमने डिनर कर लिया है, अभी हम लोग जाने वाले सोने, तो इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करूंगी। आज जो मैं ज्यादा शूट नहीं कर पाई आज जो है वो मैं ज्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा मूड अच्छा नहीं था आज दिन भर से, इस वजह से, तो इसलिए सो सॉरी। कल का जो ब्लॉग है वो एक अच्छा ब्लॉग बनाने की कोशिश करूंगी मैं, और आज जो दिखाने वाली हूँ प्लीज एक लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ में कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।